देखिए प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो लोकतंत्र के विरोध में है। इस देश में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ और सरकारों के खिलाफ आंदोलन करना लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है, जनता का अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, काम करने वाले देश के अनेक नागरिकों का अधिकार है। बता दें कांग्रेस पार्टी भारत को एकजुट करने और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। यह यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पदयात्रा होगी। राहुल गांधी इस पदयात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। उनके साथ 100 से भी ज़्यादा अधिक नेता मौजूद हैं। ये नेता लगभग सभी वर्गों और प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह पदयात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। इसकी शुरुआत तमिलनाडु से कन्याकुमारी से हुई। इसमें पार्टी के मीडिया व प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा और कन्हैया कुमार भी शामिल हैं। कांग्रेस के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा भारत की एकता का उत्सव और आशा का त्यौहार है। इसमें भारत के सभी लोग भाग ले सकते हैं। यह पदयात्रा भय, कट्टरता, बढ़ती हुई बेरोजगारी और समाज में फैलते हुए असमानताओं के खिलाफ शुरू की जा रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के समर्थन में कूद पड़े हैं और मोदी सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने राहुल गांधी को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया है। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं वह लोकतंत्र के विरोध में है। इस देश में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ और सरकार के खिलाफ आंदोलन करना लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है। यह जनता का अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, काम करने वाले देश के अनेक नागरिकों का अधिकार है। जानकारी के लिए बता दें कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चलने वाली यह पदयात्रा 150 दिनों तक चलेगी। इस दौरान 3500 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। यात्रा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और अलग अलग हिस्सों से नेता जुड़ेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से कवर करेगा।